दोस्तों, विदेशों में मछली पकड़ने के काम को बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ही आधुनिक और मॉडर्न तरीके का इस्तेमाल करके करती हैं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से मछली पकड़ने से लेकर मछलियों को प्रोसेस करने का करोड़ों रुपए का काम पूरा एक ही जहाज के अंदर निपटाया जाता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपने इस प्रकार का वीडियो शायद ही देखा हो। वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखिए, ताकि इस वीडियो का कोई हिस्सा ना छूट जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मछलियों को जाल और हुक की मदद से पकड़ा जाता है, जिसके लिए छोटी छोटी मछलियों को चारे के रूप में हुक के साथ लगाया जाता है, जिसके लिए मशीन का प्रयोग भी किया जा रहा है। हुक्स वाली रस्सी पर हवा भरे गुब्बारे भी लगा दिए जाते हैं, ताकि रस्सी समंदर के तल पर ना चली जाए। समंदर में मछली पकड़ने के लिए ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां पर बड़ी बड़ी मछलियां बहुतायत में उपलब्ध हों। इसके लिए सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी का भी प्रयोग किया जाता है। 8 से 10 घंटों में लगभग सभी हुक्स पर मछलियां फंस जाती है। मशीन की सहायता से हुक्स की रस्सी को जहाज के भीतर खींच लिया जाता है। हर एक मछली 8 से 10 किलो की है। एक व्यक्ति मछलियों को जहाज के अंदर डाल रहा है और दूसरा व्यक्ति मछलियों को वैरायटी के अनुसार अलग अलग कर देता है। उसी स्थान पर मछलियों को धोने का भी इंतजाम है। इसके बाद मछलियां जहाज के अंदर लगी प्रोसेसिंग लाइन में आ जाती हैं। मछलियों का भार देखने के लिए वेइंग मशीन भी इस प्रोसेसिंग लाइन में मौजूद है। मछलियां प्रोसेस लाइन में आगे बढ़ती रहती हैं। प्रोसेस लाइन में मौजूद वर्कर्स मछलियों को काट कर उन्हें भीतर से साफ कर देते हैं। अंदर से साफ की गई मछलियों को इस प्रकार से प्रोसेसिंग लाइन में लगे ट्रेज में लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ मछलियों को अभी भी समंदर से निकाला जा रहा है। कई सारी मछलियां जाल में फंसी हुई हैं, जिन्हें जाल से अलग किया जाता है। देखिए, यहाँ से भी मछलियों को जहाज के नीचे बने प्रोसेस लाइन में भेजा जा रहा है। प्रोसेस लाइन में बहुत सारी मछलियां आ चुकी हैं। एक वक्त में पकड़ी गई मछलियों की कीमत कई लाखों से करोड़ों रुपए तक हो सकती है।
छोटी मछलियों को भीतर से साफ करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। मशीन मछलियों को साफ करके उन्हें प्रोसेस लाइन में आगे भेज देती है। पूरा काम बिल्कुल सफाई से किया जाता है और मशीन पानी का इस्तेमाल करके लगातार मछलियों को धो देती है। प्रोसेस लाइन में मछली और उसके भीतर के अंगों को अलग अलग कर लिया जाता है। बड़ी मछलियों को काटने के लिए वर्कर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वर्कर्स लगातार मछलियों को साफ करने का काम करते हैं और अगर मशीन से मछलियों को साफ किया गया है तो ये पक्का किया जाता है कि पूरा काम ठीक से हुआ है या नहीं। मछलियों की ये पूरी प्रोसेस लाइन एल्यूमिनियम और नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक से बनी है। यहाँ पैक होने से पहले मछलियों को आखिरी बार दोबारा से धोया जाता है। मछलियों को यहाँ फ्रीजिंग ट्रेस में डाल दिया जाता है और उन्हें बहुत कम तापमान पर ठंडा होने दिया जाता है। देखिए, इतने कम तापमान पर मछलियों पर मौजूद पानी बर्फ बन जाता है और ट्रे में रखी गई मछलियां एक दूसरे से चिपक जाती हैं। पूरा काम मशीनों पर ऑटोमेटिक तरीके से पूरा किया जाता है। इस मशीन पर रेफ्रिजरेटेड मछलियों को पैक कर लिया जाता है। हर पैकेट अंदर से प्लास्टिक और ऊपर से मोटे कागज से बनी हुई है।
पैकिंग का काम पूरा होने पर मछलियों को रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर कर लिया जाता है, जिन्हें जहाज के किनारे पर पहुंचने के बाद मार्केट्स में भेज दिया जाता है या फिर विदेशी मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। मछली पकड़ने और उसके प्रोसेसिंग से संबंधित इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।